नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा डक्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोविच के बारे में, जानेंगे कि वो मल्टीपल ऑर्गन्स पे कैसे वर्क करती है और उसका यूसेज जानेंगे कि हम कैसे कितनी डोज उसकी हम ले सकते हैं। तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कार्बोविक जो है वो प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, कोयले से बनी हुई मेडिसिन है, पर हम इस मेडिसिन को ज़्यादातर हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते। एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक अगर हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो ये बॉडी पे जो है बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका। ज़्यादातर जो है हम इसको जो है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन ऐसी है कि अगर इंसान बिल्कुल शरीर एकदम ठंडा हो रहा हो और इंसान की उम्मीद ना हो, जैसे लग रहा हो जैसे कि अभी मर जाएगा, लेकिन इसकी दो बूंद अगर उस इंसान को अगर दी जाए तो ये वरदान होती है और शरीर जो है नॉर्मल पड़ने लग जाता है। बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। मल्टीपल ऑर्गन्स पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, जैसे कि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो, खाना ना डाइजेस्ट हो रहा हो, गैस हमेशा बनती रहती हो, पेट हमेशा फूला फूला रहता हो, तो अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आपने इस मेडिसिन के साथ कार्बोविज और लाइकोपोडियम और चाइना, इन तीनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हैं इसके। जैसे कि अगर आप इसके साथ लाइकोपोडियम यूज़ करेंगे तो अगर आपको गैस बन रही है, लोअर साइड में बन रही है, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अगर आप इसके साथ चाइना यूज़ करेंगे, पेट आपका जैसे कि हरदम गैस बनी बनी रहती हो, अजीब सा भारीपन सा रहता हो, तो ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आप इनको अल्टरनेट करके हर दो दो घंटे से इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ख़ास तौर से आपने ये ध्यान रखना है कि ऑयली फूड है या अल्कोहलिक वाली चीज़ें हैं तो इन सब से आपने दूर रखना है। और हमेशा जैसे कि इस मेडिसिन में ये होता है कि जैसे हमेशा लेटे लेटे का रहने का मन करता हो, कुछ भी काम करने का मन ना करता हो, तो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव है। जैसे कि डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, अगर आप ओल्ड एज है और मोशन ज़्यादा हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, स्मेल बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप मोशन करने जाते हो स्मेल बहुत ज़्यादा आती हो या वीकनेस बहुत हो, डकार आती हो, तो ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और रेस्पिरेटरी में अगर हम देखें तो जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है या निमोनिया की प्रॉब्लम हमेशा बार बार रहती है मौसम चेंज होने पे, जैसे कि अब नवंबर का मंथ चल रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हो, या जैसे कफ बना रहता हो हमेशा और खर 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 की आवाज़ आती हो, चेस्ट में पेन हो, दिन भर तो सब सही रहेगा लेकिन शाम होते होते दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो, या जैसे कि आपने देखा था कि कोरोना टाइम में ये मेडिसिन की डिमांड कितनी बढ़ गई थी कार्बोविज की, तो मतलब कि चेस्ट में अगर जैसे कि दिक्कत ज़्यादा हो तो उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ज़रूर इस मेडिसिन का यूज़ कीजिए। मेडिसिन जो है हेमरेज में वो बहुत अच्छा वर्क करती है, जैसे कि ब्लड जो है नोज से आना जैसे शुरू हो जाता है और बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का होता है और मोशन बहुत ज़्यादा होता है या अल्सर की प्रॉब्लम होती है, तो उनमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव वर्क करती है। अब हम बात करते हैं डोजेस के बारे में कि इस मेडिसिन के आपको कैसे डोजेस यूज़ करनी है। तो हम बात करते हैं पहले लोअर पोटेंसी की। अगर आप 30 की पोटेंसी की मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो 2-2 ड्रॉप्स आपने दिन में 3 बार ही लेनी है डायरेक्टली जीभ पे, और ये मेडिसिन आपने यूज़ करनी है लगातार 15 डेज। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी तो आप बंद कर देंगे, नहीं तो आपने 1 मंथ तो इस मेडिसिन का यूज़ करना ही करना है। हम बात करते हैं 200 पोटेंसी की। 2-2 ड्रॉप्स आपने लेनी है, वो भी सिर्फ हर रोज़ लेनी है, मतलब कि दिन एक टाइम बना लीजिए, हर रोज़ एक ही बार लेनी है। 2-2 बूंद अपनी जीभ पे टपकाएंगे, वो भी जब जबकि आपको अगर लगे कि भी हाँ नहीं, अगर प्रॉब्लम हमारी सही नहीं हो रही है तो 2-2 बूंद आपने रोज़ लेनी है। जैसे कि मंडे को अगर आपने ली तो ट्यूसडे को भी उसी दिन लेनी है, एक टाइम आपने फिक्स कर लेना है। अगर आप 1 mm की पोटेंसी यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी 1 mm की पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको माइंड सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो इस मेडिसिन का यूज़ कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।